चुप हो जाना। अस्सलामुअलैकुम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किट व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे व्यूज आए। और आज चांद रात है जी, फाइनली रहते हलाल कमेटी ने कई पहली बार 8 या 9 बजे जुनसा है ऐलान कर दिया कि ईद है कल, 29 रोज़ों पे ईद है कल। तो आप सबको चांद रात मुबारक हो इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो चांद रात पे ही व्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो मैं अफ्तारी तक ही मैं बैठा होता था और जिनसा है लूडो खेलते थे, पबजी खेलते थे, बस वही खेल के हमारा टाइम गुजरता था। तो अभी तो बस तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो रहा है, नींद नहीं आ रही। अब मैं सोच रहा हूँ सोऊँ तो सोऊँ कैसे, खिड़की पर्दे हर एक चीज़ बंद कर दी है, बैठते आ रहा है, बस पंखा लगाना है और सोना है, बट नींद नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी बस थोड़े से चावल खाए हैं और बस सोने का इरादा करूँ, पर नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही नींद यार, क्या करूँ। बस चलो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह अल-अज़ीम। ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे रोकते हैं, सुबह उठते हैं, आपको ईद मुबारक भी करेंगे और आपसे मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह। 2000 years later। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक है बारान भाई? ईद मुबारक। खैर मुबारक, उठ गए हो माशाल्लाह से, बरान भी तैयार हो गई है और हम अभी उठे हैं। पहना मेरे भाई ने ये क्या, दिखो ये घड़ी है। ओए होए, ग्लासेस भी पहने हैं मेरे भाई ने। मेरा भाई आज फुल तैयार हुआ हुआ है, आज तो मुंह भी धोया मेरे भाई ने। ये नहाई है इसलिए, मैं भी बस जुनसा हूँ, तैयार रहता हूँ, बाल वगैरह कटवाने गया यार रात को, दिन को गया था, इतना रश था, फिर वापस आ गया, फिर रात को फिर गया हूँ, फिर जुनसा है, वापस आ गया हूँ। मुदस्सिर दी मिल गई, ईद मुबारक, अंदर आना। ये मुदस्सिर भाई ने भी घड़ी पहनी है, दिखाओ घड़ी। ओए होए होए, ग्लासेस कितने तेरे? ईदी मिली, कितनी ईदी मिली है? ओए होए होए होए, 2000 ईदी मुदस्सिर भाई का मिली। ये ग्लासेस मुदस्सिर भाई के, ये ले। अच्छा जी, बच्चे को ईदी भी मिल गई है, तैयार भी हो गया, उनकी ईद भी हो गई है और हम अभी तक जैसा है बैठे हुए। अच्छा जी, तो ये मैंने जो बनवाए थे ना जोड़े, ये बिल्कुल शॉपर से भी मैंने नहीं निकाले। एक ये दो और ये, और निकल आना ये तीन जोड़े, ये बिल्कुल नए पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आपको मैं और भी चेक कराता हूँ जो मैंने और बनाए हुए थे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और एक ये फुल वाइट, ठीक है, और एक जिनसा है ये वाला पिंक, ये जी बनवाया मैंने, पर इनमें से एक भी पहनने का दिल नहीं कर रहा, बट ईद है, तैयार तो हूँ ना इंशाल्लाह लज़ीम। बस नहाते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह अम्मी कह रही है मिठाई लेकर, कल मिठाई भी लाना भूल गया था, मिठाई केक और थोड़ा सा खाने पीने के लिए। ओए होए होए, दिखो ओए होए होए होए,
ये होए 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 मेरे भाई को इतनी सारी ईदी मिल गई है। होए 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 अम्मी ने दी है, ये ले जा मजेकार, गंदी चीज नहीं लेनी। अच्छा ओ सारा कुछ इन्होंने जो है तोड़ ताड़ दिया। बारान भाई मैं भी बस अभी नहाती हूँ। अच्छा हाँ अभी देखते हैं यार, जो पहन लिया सो पहन लिया, ये पहना या उनमें से कोई पहन लिया, बस नहाने चलते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं रेडी होके। कम बैक टू आवर चैनल जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह से चेक करे, तैयार हो गए, ड्रेस पहन लिया, नाश्ता कर लिया। अभी बस नाश्ता करके जी एक मिठाई लेने जाना है, एक केक लेने जाना है, दही लेने जाना है क्योंकि घर में बन रही है चाट, कस्टर्ड बन गया मेरे ख्याल से, दूध वो छोटा ले आया था, और सालन वगैरह भी बनेगा, चावल बिरयानी जो भी है वो भी इंशाल्लाह बाद में खाएंगे। अभी मैंने नाश्ता किया और अभी फ्री हूँ। अभी तक रात भी तकरीबन सारों से चांद रात, ईद रात मुबारक वो जो भी था हो गई थी, बट जनसा है अभी अलग आज दिन है क्योंकि सबसे मिलने जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, पर सबसे पहले अभी जाके मिठाई केक और दही लेके आएंगे क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उनको हमने जनसा है मिठाई उनके सामने रखेंगे, और बोतल वगैरह भी लेके आनी है, बोतल भी गोरमे जो पाकिस्तानी है, इसराइली प्रोडक्ट नहीं। ठीक है जी, बस मैं मिठाई केक और बोतल वगैरह लेके आता हूँ इंशाल्लाह, वो लाते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अभी तकरीबन अभी पहुँचूँ क्योंकि मुझे चेंज चाहिए था, 500 वाले वो मिल नहीं रहे थे तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे, तो बस अभी घर आया हूँ जी। घर आया हूँ तो जो लेकर आया हूँ वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ईद मुबारक। केक, मिठाई, ये फ्रूट चाट बनाया, ये चावल बनाया चिकन वाले, तो और ये हमने बारान भाई बनाया। बारान भाई ये कहोगे ना तुम? अच्छा ये देखें जी, गोरमे लेमन पाकिस्तानी प्रोडक्ट, हमने मुकम्मल बायकॉट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का। अलहमद, चुप हो जाना। तूने चावल खा लिए? तूने चावल खा लिए? तूने चावल खा लिए? तूने फ्रूट चाट खा लिए? तूने केक खा लिए? ओ मोबाइल को मार दिए। आए क्यों रो रही है मेरा भाई? ओ फिर मोबाइल बच गया मोबाइल फिर। अच्छा ये देखिए, मैं तेरे लिए ईद मुबारक वाला केक लेकर आया हूँ, ये देख, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ईद मुबारक। और ये मैं तेरे लिए देख कितनी सारी मिठाई लेकर आया हूँ, ये देख देख। अभी मैं तेरे लिए AK-47 भी लूंगा ना, लेगा ना AK-47? नहीं लेगा? 47 नहीं लेगा? 47 नहीं लेगा? ओ अच्छा, मैं बस मुदस्सिर के लिए 47 लूंगा, मैं बारान भाई के लिए 47 नहीं ले रहा। 47 ये मैं जा रहा था ये चीजें वगैरह लेने, तो सीढ़ी में मेरे पीछे आया, मुझे कहता है श्री भाई मेरे लिए 47 लेना। अब मैं सोच रहा हूँ ये 47 क्या, मैंने इससे पूछा मैं क्या 47 क्या है, मुझे कहता है पुलिस वालों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें नहीं होती हैं वो 47 वो लेने। मैं क्या, अच्छा रुक तेरे लिए मैं 47 लेता हूँ जी। बस खाने का टाइम तो नहीं है, पता नहीं लोगों ने दस्तरखान क्यों बिछा दी है, थोड़ा बहुत चख लेंगे। नींद तो भाई सहरी के बाद भी सुबह तकरीबन 7 बजे तक बिल्कुल लाई नहीं रही थी क्योंकि रूटीन ही कोई ऐसी बनी हुई थी कि सहरी के बाद सहरी करके तकरीबन आराम सुकून से थोड़ा बहुत, उसके बाद भी जाग के आराम सुकून से 5:30-6 बजे तक सोते थे, फिर सुबह 12-1 बजे उठते थे। तो अभी आज तकरीबन 7 बजे मैं सोया, फिर 9-1 बजे अम्मी ने फिर उठा दिया, नमाज तो वैसे भी नहीं पढ़ी हमने, और बस अभी जिनसा है ये सामान पड़ा हुआ है हमारे सामने, रूटीन भी ऐसी बनी है कि खाने पीने हो गए नहीं, बस ये पता नहीं है अभी अभी मेरे सामने सारा कुछ रखा हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे।
बस देख रहा हूँ, देख देख ही मेरा दिल भर रहा है, क्योंकि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा खाने का। नाश्ता भी हमने अभी किया, रमज़ान में भी मेरी यही रूटीन होती थी कि सहरी में आधा पराठा और फिर अफ्तारी में एक फ्रूट चाट का बॉयल, बस इसके अलावा कुछ खाने का दिल भी नहीं उस वक्त नहीं करता था। अभी ये रूटीन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह से बराबर होती जाएगी। जमशेद को कॉल की है, बाकिर तो गाँव गया हुआ है, बाद में रजा और जमशेद से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। पर व्लॉग हम अपना यही पे ऐड करेंगे डे वन का इंशाल्लाह। सेकंड डे में कोई अगर हमारा सीन बना इंशाल्लाह उसका हम व्लॉग प्रॉपर बनाएंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।